अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कैंसर के लिए। कैंसर हो जाता है ना लोगों को, और कैंसर जल्दी ठीक नहीं होता है लोगों को, किडनी खराब हो रहा है लोगों का, समझ गए, लीवर खराब हो रहा है। जो कपाल भाती नहीं करेगा, याद रखिएगा, वो लीवर खराब होकर के मरेगा, किडनी फेल करके मरेगा, वो शुगर होकर के मरेगा, वो कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक करके मरेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि लीवर ठीक रहे, हमारा किडनी ठीक रहे, हमारा हार्ट ठीक रहे और हम स्वस्थ होकर के जीवन को जी सके, तो कपालभाति 15 मिनट करना पड़ेगा। कितना मिनट? 15 मिनट। तो आइए एक बार करके दिखाते हैं, फिर करेंगे सब लोग। समझ में आ रहा है? पेट अंदर, सांस बाहर, आंख बंद कर लीजिए। ये सारा प्राणायाम आंख बंद करके करना है। आंख खोल करके करेंगे, आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा, सभी सीधे बैठ जाएंगे, सब छोटे बड़े सब करेंगे। 5 बरस से छोटे बच्चों को ये 10 से 20 बार करना है। 5 बरस से लेकर के 10 साल तक के बच्चों को 5 मिनट, और 10 साल से लेकर के मरते समय तक यहाँ 5 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक करवाते हैं। करिए, कैंसर नहीं होगा कभी, कैंसर भी ठीक हो जाएगा, एकदम पक्की बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन करना पड़ेगा। करिए 5 मिनट तक बिना रुके हुए करिए। एक एक सेकंड में एक बार झटका देना, 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, 1 सेकंड 1 झटका। कोई भी आंख नहीं खुलना है, कम से कम आंख बंद करके कैसे बैठा जाता है वो भी सीखिए। जब भी कोई मंदिर में जाएं तो वहां पूजा पाठ करके आधा मिनट आधा घंटा बैठ जाइए वहीं पर, ध्यान लगा के कपालभाति अनुलोम विलोम करके तब घर जाइएगा, तब जा करके आपको फल मिलेगा। मंदिर आते हैं प्रायश्चित करने के लिए, मंदिर आते हैं पूर्व हमारे द्वारा संचित जो कुसंस्कार है उसको दूर करने के लिए। करते जी कपालभाति, योग की अग्नि में, योग की भट्टी में तपिए। ये लोहार भाई का जो भांति चल रहा है ना, भांति चलाइए, तब जाकर के कोयला आगे जलेगा और लोहा उसमें लाल होगा। शरीर रूपी लोहे को गर्म करिए, लाल करिए, तब जाकर के इसमें से ब्लड प्रेशर, शुगर, लकवा, कैंसर, गांठ, गिल्टी, ट्यूमर सब दूर होगा। आंखें बंद, करने का मन नहीं भी करे तो बढ़िया काम करना है, और बुरा काम करने का इच्छा भी करे तो नहीं करना चाहिए। करते जाइए, देखिए बहुत पक्की बात मंत्र देके जा रहा हूँ। अच्छा काम करने का मन नहीं भी करे तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए। बुरा काम करने का मन करे तो नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। करते जाइए, सब कोई बहुत अच्छे साधक के रूप में हम चाहते हैं कि जिंदगी भर आप लोग इसी प्रकार योग करते रहें, ध्यान पूर्वक 10 मिनट 20 मिनट जितना समय लगे उतना ही करिए। कोई जरूरी नहीं कि 1-1 घंटा ही करना है, समय कम है तो 10 मिनट करेंगे, 20 मिनट करेंगे, 15 मिनट करेंगे, 5 ही मिनट करेंगे, लेकिन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक दिन भी कहा गया है, पोलियो की दवा पिलाते समय हर जगह लिखे रहता है, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। यानी एक दिन भी यदि आप योग छोड़ दिए तो आपके सुरक्षा जो चक्र है वो टूट जाते हैं। सारे कोशिकाओं को ऊर्जावान बना रहा है, शक्तिमान बना रहा है।
अब आँख थोड़ा सा खोल दीजिए। अभी हम लोग कौन सा अभ्यास कर रहे हैं? कपाल भाती। ढेर दूध भाती खाए, मछली भाती, मुर्गा भाती है, लेकिन आज कौन भाती खा रहे हैं हम लोग? कपाल भाती। तो कपाल भाती सब कुछ समझ गए? नाक से झटका से सांस फेंकेंगे, पेट अंदर जाएगा। सबको योग शिक्षक कम बना के जाएंगे, ठीक है? क्या बनिएगा आप लोग? योग शिक्षक हो गए, और करना भी है और दो चार लोगों को करा देना है। सीधे बैठिए ध्यान मुद्रा में, इस प्रकार से पीठ को सीधा रखना है, पीठ को टेढ़ा मत रखिए। हम लोग कृष्ण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? कृष्ण बन रहे हैं, राम बन रहे हैं। योग करिएगा तभी बनिएगा। गर्दन सीधा सीधा करो बेटा। अब इसका लाभ क्या क्या है? गैस का, कब्ज का, शुगर का, लकवा का, कैंसर का, घुटना दर्द, पैटिका, गठिया, ट्यूमर, गांठ, गिल्टी, बांझपन, नपुंसकता, स्वप्न दोष, धातु छिंता की बीमारी, माताओं बहनों को गर्भाशय संबंधी विकार, मासिक धर्म में गड़बड़ी, ब्लीडिंग ज्यादा होना, लिकोरिया की बीमारी, कपाल भाती से ठीक हो जाएगा।